दोस्तों, मैं दिव्यानु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करूँगा जो मैंने मेरे पास आता है। आप लोगों के साथ मेरा एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए मैंने शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी आज पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है UTI AMC IPO, उसके बाद और भी बहुत सारा टॉपिक्स लेकर डिस्कस करूँगा। सीप्लग, लैंडमार्क और हेक्सावेयर डिलिस्टिंग और भी कुछ न्यूज़ है जो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। इसके और साउथ इंडियन बैंक का शेयर्स और बोल्टास IDFC फर्स्ट, इसका कैसे क्या करें कैसे क्या इन्वेस्ट करें, तो इसके बारे में आप लोग को बात साथ बताऊँगा। तो ये आप लोग स्टॉक मार्केट में मतलब अपडेटेड रहना चाहता है और एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज मतलब सीखना चाहता है तो सीखना चाहता है और कुछ मतलब लर्निंग एंड अर्निंग करना चाहता है, तो मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए। और इसका बहुत सारा मैंने रिसर्च एनालिसिस करके मैंने रखा हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकता है। बहुत सारा चीज़ है एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो मेरा इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बाय निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ, दिखाता हूँ लाइव मार्केट में हाउ टू मेक प्रॉफिट इन लाइव मार्केट, वो भी दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी और मेरा कमोडिटी, मेरा चार्ट का सेटअप से और बाइसल एक्सेल शीट से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी आप लोग को वीडियो दे दिया है, आप लोग को देख लीजिए। हाउ टू आइडेंटिफाई बाइसल लेवल निफ्टी बोनस लेवल बेस्ट ऑन डेली वोलेटिलिटी एंड गन टाइम्स स्क्वायर एंड एक्यूरेट बाइसल लेवल्स विद एंकर BW BWP। इसके अलावा और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और भी बहुत सारा एडुकेशन इंफॉर्मेशन चीज बहुत सारा है जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरा ट्रेडिंग मॉडल भी देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करना चाहता है और ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है बहुत ही आसानी से बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो आप लोग एंजल ब्रोकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अप स्टॉक्स का आप लोग को लिंक मिल जाएगा और उधर से आप लोग बहुत ही आसानी से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज पहले तो मैंने डिस्कस करूँगा UTI AMC IPO का। तो UTI AMC IPO शेयर्स में बड़ी उछल क्या होगा आगे, ठीक है। तो 23 जून ट्यूजडे को काफ़ी बड़ा न्यूज़ आया जो स्लो डाउन और लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी बड़ा न्यूज़ मान जा सकता है। सेबी इंडिया का शेयर मार्केट रेगुलेटर ने UTI AMC को अपर इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए 3000 को का पैसा मार्केट से उठाने का परमिशन दिया है। ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। इस न्यूज़ के वजह से आज शेयर मार्केट में AMC शेयर्स में भारी उछल देखा गया। आज ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। बैंक निफ्टी और NBFC शेयर्स, AMC शेयर्स, सेंसेक्स और निफ्टी को काफ़ी पुश किया है। दिन के एंड होने तक सेंसेक्स 519 पॉइंट ऊपर गया है और निफ्टी 10,450 का मार्क टच किया। सेंसेक्स ने 30 में से 27 शेयर्स ग्रीन में था। मार्केट एंड तक गेनर्स है। एंड होने तक बजाज फिनेंस 9.26%, L&T 6.73%, इंडसइंड बैंक 6.61%। मार्केट में आज बिग गेनर्स थे। सेबी का ये अप्रूवल क्या मार्केट में अच्छे दिन आने के संकेत देता है? क्या गवर्नमेंट और भी ऐसा हेल्पफुल स्टेप्स लेगी ताकि निवेशकों को मानो इन्वेस्टर को के पास नया ऑप्शन आया पैसा कमाने का? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आगे आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो आप लोग एंजल वॉकिंग में इसमें आप स्टॉक इसमें आप लोग अकाउंट ओपन कर सकता है मेरा यूट्यूब वीडियो का लिंक से, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी क्या है वो मैंने पहले बताता हूँ। एएमसी ऐसी कंपनी है जो आपको मेरे जैसा इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके उनको मार्केट में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है, ताकि इन्वेस्टर को उनका पैसा का अच्छा रिटर्न दिया जा सके। एएमसी कंपनी काफ़ी सारे डोमेन में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक डेप्ट रियल एस्टेट, कि आपका पैसा भी रहे और साथ साथ रिटर्न भी आए। जैसे डेट फंड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है लो रिस्क लो रिटर्न, ऐसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला होता है। एएमसी कंपनी ऐसे ही अलग अलग रेवेन्यूज में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। एएमसी में आपका अपना पैसा डालने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर का है, एक जो है सबसे पहले किसी भी एएमसी में पैसा लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा उस एएमसी का उस एएमसी का उस एएमसी उस इन एक मिनट इन्वेस्टर्स को पैसा कलेक्ट अच्छा रिटर्न दे सकता। अच्छा वो तो मैंने बोल दिया है। पास्ट रिकॉर्ड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस करने के आइडियल टाइमलाइन है 5 to 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एएमसी का फंड मैनेजर कौन है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है एचडीएफसी एएमसी। आप अगर फंड मैनेजर का प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड पे आउट रेगुलरिटीज चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। फीस एंड कमीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी फंड में डिसाइड करने से पहले कुछ एएमसी फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं और कुछ कमीशन बेस्ड पे चार्ज करते हैं। फिक्स चार्जेस प्रेफरेबल है इसीलिए क्योंकि कमीशन बेस्ड पे आपको फाइनल पे आउट अमाउंट पता रहेगा। अगर आप फंड अच्छा करने के हमें आपको परेशानी हो सकता है। इंडियन में काफ़ी सारे एएमसी हैं जिसमें से अब तक सिर्फ दो एएमसी ही लिस्टेड है शेयर मार्केट में, यह है निप्पन लाइफ और एचडीएफसी एएमसी। इसके बाद यूटीआई एएमसी ने भी आज इसके बाद यूटीआई एएमसी ने भी आज सेबी से अप्रूवल हासिल किया 3000 करोड़ का आईपीओ के लिए आईपीओ के लिए। इसका मतलब है ये है कि यूटीआई एएमसी देश का तीसरा आईपीओ होगा जो मार्केट में लिस्टेड होगा। यूटीआई एएमसी का अप्रूवल के न्यूज़ के बाद ही निप्पन लाइफ एएमसी का शेयर में भारी उछाल आया। ये आज 309 के आसपास बंद हुआ है जो लगभग एक मिनट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तीसरा एएमसी का शेयर भारी उछाल आया। हाँ, और आसपास बंद हुआ है जो लगभग 25%। काउंटर पे ट्रेडिंग वॉल्यूम भी टू टाइम्स के आसपास बंद है, टू टाइम्स के आसपास बंद हो गया है। बीएससी और एनएससी मिलाकर टोटल 4.05 मिलियन इक्विटी शेयर का लेन देन हुआ है आज। ये एक बड़ी खबर है, हो सकता है
मार्केट का रिएक्शन से ये समझ आ जा रहा है लोगों के में यूटीआई आईपीओ के बारे में काफ़ी एक्साइटमेंट है। एचडीएफसी एएमसी ने लगभग 4% के 4% की चालान लगाई और बीएससी एनएससी मिलकर टोटल 6 मिलियन के आसपास शेयर्स को ट्रेड हुआ है। आज यूटीआई एएमसी इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है, इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है नंबर्स के हिसाब से। 38.99 मिलियन इक्विटी शेयर्स मार्केट में आ सकता है इस आईपीओ की वजह से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी एंड बैंक बड़ौदा सब 10.46 मिलियन शेयर्स अपलोड करना चाह रहा है। इंडिविजुअली पंजाब नेशनल बैंक एंड टी रो प्राइस इंटरनेशनल भी 3.8 मिलियन शेयर्स मार्केट में अपलोड करना चाह रहा है और टोटल 3000 को रेज होगा इस आईपीओ से, ऐसा अंदाजा लगा जा रहा है। यूटीआई एएमसी के दिसंबर 2000 में सेबी अप्रूवल के लिए पेपर ड्राफ्ट किया था और 16 जून को अप्रूवल है। एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी, बीओबी होल्ड 18.5% स्टेक इन यूटीआई एएमसी। द यूएस बेस्ड टी रो प्राइस होल्ड 26% स्टेक इन द कंपनी। कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, सिटी बैंक, डीएसपी कैपिटल मार्केट रनिंग और जस्ट नीचे। अच्छा, इसके बाद मैं जो डिस्कस करूँगा तो इन्वेस्टर्स इस हालत में क्या करें। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है पैसा कमाने का। हमने एसबीआई कार्ड आईपीओ का 10,000 करोड़ के लिस्टिंग के टाइम पे भी देखा था कि कैसे ये एक लुक्रेटिव डील बन गया था। यूटीआई एएमसी इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है नंबर्स के बेसिस पर तो 38 मिलियन शेयर्स कम नहीं है, लेकिन समझना भी है कि यूटीआई एएमसी का फ्यूचर और ओवरऑल एएमसी का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। क्या ये एक डेस्परेट स्टेप है लिक्विडिटी क्रंच को टैकल करने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और भी आगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्कर नहीं दिख रहा है फिनेंशियल सेक्टर के लिए। लेकिन गवर्नमेंट स्टिमुलस ने भी काफ़ी हद तक इंडियन इकोनॉमी और फिनेंशियल सेक्टर की तरफ नज़र लगा के रखनी पड़ेगी, तो भी आप सही डिसीजन ले पाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये खबर एक बहुत बड़ी और काफ़ी हद तक पॉजिटिव खबर है इंडियन शेयर मार्केट के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें आप लोगों को यूटीआई का तो जो आईपीओ है उसके बारे में मैंने बोला है। तो इसके बाद मैंने और भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जो है 100 डिलिस्टिंग एंड हाउ विल इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स। देखिए, 100 का डिलिस्टिंग का डिसीजन लिया हुआ है 100 टेक्नोलॉजीज, इसका प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ेगा ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो शेयर्स में इसका जो एक्चुअल, लेकिन इंडिया में जो 100 का जो डिलिस्टिंग प्राइस होता है, डिलिस्टिंग का प्रोसेस होता है वो ऐसे मतलब ईजी नहीं होता है। इसमें शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना पड़ता है और भी सारा कुछ फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जो अभी जो ट्रेड कर रहा है इसका ऑफर प्राइस है 185, इसका ट्रेडिंग अभी शेयर प्राइस चल रहा है 321 के आसपास। तो इसका ऑलमोस्ट इसका बहुत ही ऊपर है प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसका अपर प्राइस में नहीं आएगा। तो इसमें हो सकता है इसका डिलिस्टिंग प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा और इसका डिलिस्टिंग प्रोसेस में कुछ रिकवर आ जाएगा, तो इसमें एक्सपायर में भारी करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए
हेक्सा का जो इन्वेस्ट करना चाहता है हेक्सा में, तो इसका आप लोग को नजर रखना पड़ता है, इसके आप लोग को नजर रख सकता है। अच्छा जो लेटेस्ट अच्छा इसका जो है, इसके बाद साउथ इंडियन बैंक को क्या हो गया, सुपर प्राइम मल्टीमेगा स्टॉक्स का साउथ इंडियन बैंक में आप लोग देखिए 7.70 का आसपास जो चल रहा है, तो ये 10.7 से इस 10 पॉइंट के 10 रुपये के आसपास से ये गिरा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसको इसका रिटर्न और डिविडेंड भी अच्छा है। मैंने आप लोग को फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श जरूर ले लेंगे, और इसका 1 ईयर का 5 ईयर का वो भी इसका अच्छा मूवमेंट देता है, और इसका जो है कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कुछ ऐसे भी या कुछ गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये शेयर आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मिड कैप सेक्टर स्टॉक रेडर, मिड कैप में आप लोग बाय वोल्टास एंड आईडीएफसी फर्स्ट को बाई कर सकता है, आईडीएफसी वोल्टास को आप लोग 550 पे बाई कर सकता है, इसका भी बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ये 580 का इसका बाई करने का आप लोग सोच सकता है, और आईडीएफसी फर्स्ट को 27.70 का ऊपर बाई कर सकता है, लगभग 30 का टारगेट का दिया। और सिप्ला और गेलमार्क कोविड, ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, सिप्ला वर्सेस गेलमार्क कोविड 19 का दवाई मिल गया, कौन जीतेगा। ठीक है, तो जो इसमें आप लोग को बेसिक कुछ चीज़ जानना पड़ेगा, गेलमार्क जो दवाई मार्केट में लॉन्च किया है, ड्रग मैंने ड्रग लॉन्च किया है कोविड 19 का, ये माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स को ये ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन कोविड सिप्ला ने जो सिप्रेमी नाम से जो दवाई दिया है, ये एडल्ट और पेडियाट्रिक पेशेंट के ऊपर जो मतलब हाईली क्रिटिकल पेशेंट्स है, मतलब जो जिन लोग का ऑक्सीजन पे है वेंटिलेटर पे है, उसी को उसको उसके ऊपर ये काम करेगा, तो इसका भी दो बहुत ही इसमें दोनों के बहुत ये अभी परसेंट 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 ये अभी इसका आने के ये 7.1% के आसपास ये आ गया है, नीचे आ गया है मोर्टेलिटी रेट, ये काफ़ी बड़ी खबर है। तो इसमें जो देखिए शॉर्ट टर्म में जो ये जो दोनों स्टॉक्स ग्लेनमार्क और सिप्ला लास्ट 5 ईयर से खास कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन लास्ट 6 months और लास्ट 3 months जो कोविड 19 वायरस का फैलाने के बाद इसका काफ़ी इसका तेजी हुआ है, इसका परसेंटेज और लगभग 70% सिप्ला ने रिटर्न दिया दिखा है, और ग्लेनमार्क में 175% का अब दिखा है। तो इसमें जो आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा, सिप्ला का जो फिनेंशियल कंडीशन है सिप्ला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका ग्रोथ रेट 5 ईयर्स का हिसाब से 3.95 है, जो कि ग्लेनमार्क का ऑलमोस्ट 48% का ऊपर गिर चुका है। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग ग्लेनमार्क को चूज कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग सिप्ला को चूज कर सकता है। और मार्केट में और भी बहुत सारा अभी ड्रग आने लगेगा, तो इसका प्राइस भी इसका मतलब करेक्ट प्राइस में भी करेक्शन आएगा, तो आप लोग को सही मौकों पे आप लोग को बाई करना है। तो इसका जो न्यूज़ बेस्ड जो फार्मा सेक्टर ऐसे ही कुछ खास कुछ नहीं था, इसका रिटर्न कम ही आ रहा था, लेकिन ये कोविड 19 वायरस के वजह से ये फार्मा सेक्टर में कुछ उछल आया है, तो इसका आप लोग को निफ्टी का भी भारी करेक्शन हो सकता है, वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसे ही अभी इसका इसी के साथ मैंने ये अभी तक ये जो वीडियो है यही ख़त्म करता हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और बहुत सारा चीज़ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस आप लोग में मिलेगा, और मैंने जो रिसर्च एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजी स्टेटअप्स बाइसल लेवल कैलकुलेशन बहुत सारे एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस शेयर करता हूँ, उसके बाद
जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ होता है आप लोग को अपडेट करने का कोशिश करता हूँ। मेरे पास समय जो आता है तो वो भी आप लोग को सुनने को ना मिलेगा और देखने को ना मिलेगा। तो ये आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग को आप लोग भी अपडेटेड रह पाएंगे और मार्केट में कौन सा स्टॉक्स खरीदना है, कब खरीदना है, कौन सा लेवल पे खरीदना है, तो ये भी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। थैंक यू।